दोस्तों ओप्पो के सीरीज का नया स्मार्टफोन यानी ओप्पो K5 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये फोन ओप्पो K3 का अपग्रेड होगा। इस फोन को चाइनीज वेबसाइट टीना पर लिस्ट किया गया है। इसके बाद इस फोन के लीक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इस फोन की सीधी टक्कर होगी रियलमी XT और रेडमी नोट 8 प्रो से। हालांकि रेडमी नोट 8 प्रो इंडियन मार्केट में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी रेडमी नोट 8 प्रो को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। पर आज हम बात करेंगे ओप्पो K5 के बारे में। जिस तरह के इस फोन के स्पेसिफिकेशन निकल करके आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि ये फोन काफी कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। ये फोन आने वाला है 6.4 इंच यानी कि 16.23 सेंटीमीटर के फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जिसका रिजोल्यूशन होगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी होगी 403 पिक्सल पर इंच की। ये डिस्प्ले होगा फुल व्यू डिस्प्ले जिसमें काफी पतले बेजल नजर आएंगे और डिस्प्ले की सिक्योरिटी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। अगर बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की तो वो होगा लगभग 85% और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन में दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो इस फोन में दिया जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप जिसका प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का और इसमें दिया जाएगा सैमसंग का आइसोसेल ब्राइट GW1 सेंसर और सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और जो तीसरा कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और चौथा कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और सेल्फी के लिए इस फोन में दिया जाएगा 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा और इस फोन में दी जाएगी 4000 mAh की बैटरी जिसको 30 वाट की वोक 4.0 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। और अब बात करते हैं इस फोन में दिए जाने वाले प्रोसेसर की, तो इस फोन में दिया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 730 से 15% ज्यादा फास्ट है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz की। ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें जो GPU दिया गया है वो है एड्रीनो 618 और 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज तक इस फोन में देखने को मिल सकता है। और इस फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा वो होगा एंड्रॉयड 9 बेस्ड ColorOS 6 और कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में दिया जाएगा ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप सी पोर्ट, डुअल नैनो सिम स्लॉट और 3.5mm का ऑडियो जैक। और इस फोन का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो होगा लगभग 17,000 या 18,000 रुपये और बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर तक इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।